English class students, today we're going to study chapter number 10, synthesis of sentences. Let's see what is synthesis of sentences. Synthesis means the combination of a number of sentences into new sentence. So simply we can say that to join two or more sentences having the same sense is called synthesis of sentences. बहुत ही सिंपल है आपको समझने के लिए सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस होता क्या है, विच मीन्स दो या दो से अधिक सेंटेंसेस मिलकर जब एक नए सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं या निर्माण करते हैं तो उसे हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं. विच मीन्स दो वाक्य या दो से अधिक वाक्य मिलकर जब नए वाक्य का निर्माण करते हैं तो उसे हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस बोलते हैं. ओके, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. First of all, you must remember that there are three kinds of sentences. The first one is called simple, second compound and third is complex. तीन तरह के sentence होते हैं, तीन तरह के वाक्य होते हैं. पहला simple, दूसरा compound और तीसरा complex. Now let's see them in detail. Students, first we try to understand them in short as like simple sentence is included one independent clause. Simple sentence सिर्फ एक independent clause से मिलके बना होता है. अब clause के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि clause क्या होते हैं. Clause sentence का एक part, एक unit होते हैं, सबसे छोटे unit होते हैं. उसमें एक subject होता है plus verb, ठीक है, उसे हम clause कहते हैं. अब clauses भी दो तरह के होते हैं, क्योंकि आपको अगर simple, compound और complex समझना है, synthesis of sentences समझना है, तो आपको clauses के बारे में भी पता होना चाहिए अच्छे से. तो let's revise that. Clauses are of two type. Clauses होते क्या हैं? Clauses sentence के unit है, part होते हैं, which means उनसे आपको एक sense पता चलता है. Complete sense तो नहीं होता है, लेकिन आप वो sentence के part होते हैं, ठीक है. लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी मीनिंग क्लियर भी होती है, एज लाइक जिनमें सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब दिया होता है, ठीक है. अब क्योंकि क्लॉज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो मैं बता दूं आपको, क्लॉज दो तरह के होते हैं. एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, एक होता है इंडिपेंडेंस क्लॉज और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है. क्लॉज को सी से मैं लिखूंगी, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा आपका क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है. इसको मैं डी शॉर्ट में लिख दूंगी. इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट क्या के अंदर क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब. मींस इस क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, और डिपेंडेंट क्लॉज में आपका दो सब्जेक्ट हो सकते हैं या दो वर्ब भी हो सकते हैं, ठीक है. तो जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, डिपेंडेंट से ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये दूसरे क्लॉजेस पर डिपेंड होता है एक मीनिंगफुल सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए. ओके, तो अब इनका यूज हम सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में देखेंगे, ठीक है. नाउ लेट्स सी सिंपल सेंटेंस वन इंडिपेंडेंट क्लॉज. अब सिंपल सेंटेंस किससे मिलके बने होते हैं, वन इंडिपेंडेंट, इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब. लेट्स सी, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है द डॉग, वर्ब क्या है, बार्क्स. तो सिंपली ये किससे मिलके बना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये, करेक्ट. तो सिंपल सेंटेंस के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आता है. अब बात करते हैं कंपाउंड की. टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, ये टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज से मिलके बना होता है. और सेपरेट किस तरह से होता है, बाय ए सेमीकोलन और कॉमा और ए कंजंक्शन, ठीक है. मीन्स इसके बीच में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, तो उनको जिस चीज से जोड़ा जाता है वो होते हैं ज्यादातर से सेमीकोलन या फिर कॉमा या फिर कंजंक्शन का यूज होता है ऐसे सेंटेंसेज में, कंपाउंड सेंटेंसेज में. जैसे कि द पायरेट कैप्टन लॉस्ट द ट्रेजर मैप, हेयर वी हैव कॉमा, करेक्ट, बट ही स्टिल फाउंड द बरीड ट्रेजर. तो इस तरह से इस सेंटेंस में आपने देखा कि हेयर वी हैव सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन द फर्स्ट क्लॉज. द पायरेट कैप्टन लॉस्ट द ट्रेजर मैप, पायरेट कैप्टन ने ट्रेजर मैप, खजाने के मैप को, नक्शे को खो दिया. इससे आपकी एक कंप्लीट मीनिंग निकल रही है, प्लस इसमें एक सब्जेक्ट है और दूसरा वर्ब है लॉस्ट. हेयर अगेन
ही स्टिल फाउंड द बरी ट्रेजर. ही सब्जेक्ट फाउंड वर्ब. अगेन वी हैव अनदर इंडिपेंडेंट क्लॉज. सो विच मीन्स हेयर इन दिस सेंटेंस वी हैव टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज. करेक्ट. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट, ऑलवेज कीप इन माइंड दैट वी हैव टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज इन कंपाउंड सेंटेंस. ओके. एंड दे आर ज्वाइंट बाई यूजिंग सेमीक्लोन एज लाइक दिस और क्लोन कॉमा और कंजंक्शन. ओके. हेयर वी हैव बट ऑल्सो एज कंजंक्शन. सो आप कंपाउंड सेंटेंसेस की पहचान आराम से कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं कि उसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और बीच में इनके या कॉमा या कंजंक्शन या सेमीक्लोन का यूज होता है. नाउ लेट्स सी द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेज. अब इसको आपको समझना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर डिपेंडेंट क्लॉज, दोनों का मतलब एक ही होता है, सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट का यूज होता है. ओके. एज लाइक बिकॉज द सूप वॉज टू कोल्ड आई वॉर्म्ड इट इन द माइक्रोवेव. बिकॉज द सूप वॉज टू कोल्ड, अगर मैं यहाँ पे आपका सेंटेंस आगे से ही हटा दूं, सिर्फ यहाँ से पढ़ूं, बिकॉज द सूप वॉज टू कोल्ड, क्योंकि सूप बहुत ठंडा था, तो क्या इसके आगे कोई इन्फॉर्मेशन है? नहीं है, क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लॉज है. अब इसको एक और क्लॉज की ज़रूरत होगी इसके सेंटेंस को, इसकी मीनिंग को क्लियर होने के लिए. तो हेयर वी सी दैट हेयर वी हैव डिपेंडेंट क्लॉज. देन आई वॉर्म्ड इट इन द माइक्रोवेव, मैंने उसको माइक्रोवेव में गर्म किया, ये इसकी मीनिंग क्लियर है. और इसमें एक सब्जेक्ट है आई और उसके बाद वॉर्म्ड, ये क्या है? वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब. तो ये क्या हो गया आपका? इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया. सो नाउ वी कैन से दैट दिस इंक्लूड्स वन डिपेंडेंट क्लॉज एंड द अदर इज इंडिपेंडेंट क्लॉज. सो दिस सेंटेंस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो अब आपको शॉर्ट में समझ लेना है किस तरह से सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब. कंपाउंड सेंटेंस दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से मिलके बना होता है जिसके बीच में कॉमा, सेमीक्लोन या कंजंक्शन का यूज होता है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज होता है. ओके. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. नाउ लेट्स गेट बैक टू द डिटेल्स ऑफ दिस एंड लेट्स सी मोर एग्जांपल्स ऑफ इट. अब इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं. दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सिंपल सेंटेंस. दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेज हैव ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट, जैसे मैंने अभी बताया सब्जेक्ट प्लस वर्ब. तो सिंपल सेंटेंस में आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब होता है, और इस पार्ट को हम प्रेडिकेट भी कहते हैं. ठीक है. तो इस तरह से ये किससे मिलकर बना होता है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से, और यू कैन से वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट. एज लाइक शी वॉज ए गुड गर्ल, शी सब्जेक्ट वॉज ए गुड गर्ल प्रेडिकेट. और यू कैन से हेयर वी हैव अ वर्ब ऑल्सो. करेक्ट. सो दिस इज वेरी सिंपली वी कैन से दिस इज सिंपल सेंटेंस बिकॉज इट कैरीज ओनली सब्जेक्ट एंड वर्ब, और यू कैन से सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट. नाउ लेट्स सी द कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस, दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर प्रिंसिपल और मेन क्लॉजेज. प्रिंसिपल और मेन क्लॉजेज किसको कहते हैं? अभी मैंने बताया आपको कि क्लॉजेज दो तरह के होते हैं, एक डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट. तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, उसे ही हम मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं. ये इसको मेन या प्रिंसिपल क्लॉज किस लिए कहते हैं, किस वजह से कहते हैं? क्योंकि इसकी अपने आप में मीनिंग क्लियर होती है. मीन्स इसको दूसरे किसी क्लॉज की ज़रूरत नहीं पड़ती है मीनिंग को क्लियर करने की, सिर्फ उससे ही ये एक मीनिंग क्लियर हो जाती है. जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं दैट ही लाफ्स, वो हंसता है. हेयर वी हैव ही सब्जेक्ट, लाफ्स वर्ब. तो वो हंसता है, ये क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. ठीक है. ये सेंटेंस का एक पार्ट है, पूरा सेंटेंस नहीं है. ही लाव्स, वो हंसता है, लेकिन इसकी मीनिंग क्या है अपने आप में क्लियर है. एंड हेयर वी हैव सब्जेक्ट, ओनली वन सब्जेक्ट एंड ओनली वन वर्ब, विच मीन्स इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज.
तो अब हमें, जैसे हमने पढ़ा कि सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मिलकर एक नए सेंटेंस को बनाते हैं, और ये आपस में कोऑर्डिनेट होते हैं, मीन्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, इनका आपस में रिलेशन होता है, ठीक है। इनको किसी कंजंक्शन से जोड़ा जाता है या फिर बीच में सेमीकोलन या कॉमा का यूज़ करके लिखते हैं, ओके। फॉर एन एग्जाम्पल, द रूम वॉज ब्राइट सो वी कुड सी, द रूम वॉज ब्राइट, हेयर वी हैव सब्जेक्ट द रूम वॉज ब्राइट वन वर्ब ऑल्सो विच मीन्स इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसमें पहला क्या है, इंडिपेंडेंट ही क्लॉज है, द रूम वॉज ब्राइट, रूम बहुत ही रोशनी वाला था या चमकीला था, वी कुड सी इसलिए हम देख सके, वी कुड सी हम देख सके, इसमें भी क्या है, वी सब्जेक्ट है फिर सी वर्ब है, करेक्ट। सो इन बोथ क्लॉजेज वी हैव सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सिंगल सब्जेक्ट देन सिंगल वर्ब, विच, और दोनों की मीनिंग भी क्लियर है बिना एक दूसरे के सहारे के ही। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन दोनों में, इस सेंटेंस में क्या है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आप देख सकते हो ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वी कुड सी द रूम, ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब ये आपस में जोड़े गए हैं, इनका सिंथेसिस हुआ है किससे, सो कंजंक्शन से। सो क्या है, कंजंक्शन है। तो अभी मैंने आपको बताया कि कंपाउंड सेंटेंसेस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज का यूज किया जाता है, और बीच में इसको या किसी कॉमा, सेमीकोलन या फिर कंजंक्शन से जोड़ा जाता है, ओके। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। लेट्स मूव फर्दर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ, दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन द प्रिंसिपल और मेन क्लॉज एंड द अदर सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज मीन्स डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज, डीसीसी मैं इसको शॉर्ट में लिख दूंगी। अभी मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस। लेट्स सी द एग्जांपल्स। ही स्टडीड डिलीजेंटली, ही स्टडीड डिलीजेंटली, ही सब्जेक्ट, स्टडीड वर्ब, करेक्ट। सो विच मीन्स हेयर वी हैव ही स्टडीड डिलीजेंटली, उसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की। इसकी मीनिंग भी क्लियर है अगर हम सिर्फ इसको यहाँ तक पढ़ें, ही स्टडीड डिलीजेंटली, उसने मेहनत से पढ़ाई की, तो ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ये इसको दूसरे क्लॉजेस की ज़रूरत नहीं है, इसकी मीनिंग क्लियर है, प्लस इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, तो इसलिए क्या हो गया, मेन या प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ठीक है, या यू कैन से इट इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब दूसरा पार्ट को देखते हैं, इसमें दो पार्ट होते हैं। He was ill, though he was ill, ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, करेक्ट। इसमें सबऑर्डिनेट किस तरह से, क्योंकि इसकी मीनिंग पहले के बिना अधूरी है, क्लियर नहीं है, ये इस पर डिपेंडेंट है। जैसे हम जब कहते हैं कि जबकि वह बीमार था, जबकि वह बीमार था तो क्या 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 हुआ, इसके आगे अभी और कुछ बाकी है, मीन सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, सेंस कंप्लीट नहीं हुआ है। तब आप बोलोगे, जब आप ये बोलोगे ही स्टडीड डिलीजेंटली दो ही वॉज इल, हालांकि वो बीमार थी, उसने कड़ी मेहनत की, फिर भी उसने कड़ी मेहनत की, तो इस तरह से क्या हो गया, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर डिपेंडेंट क्लॉज, ये इसके सहारे होता है, डिपेंडेंट होता है इस पे, और इसके साथ यूज होने पे फिर इसकी मीनिंग क्लियर होती है, ठीक है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपने देखा कि एक मेन प्रिंसिपल क्लॉज होता है और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज होता है। नाउ लेट्स गो फर्दर। The following are the chief ways of combining two or more simple sentences into one long sentences. अब जितने भी आपके नीचे ways बताए जा रहे हैं, means किन किन तरीकों से आप दो या दो से ज़्यादा sentences को जोड़ करके, simple sentences को जोड़ करके एक नया sentence बनाते हो, तो वो rules हम देखेंगे। By using a participle, by using a participle, participle के वो use करके भी हम new sentence form करते हैं। जैसे participle क्या होता है, ये टेंस को फॉर्म करते हैं, वर्ब टेंस को फॉर्म करते हैं, जैसे आईएनजी फॉर्म, ये क्या है, आपका पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ईडी ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। तो अभी ही स्प्रैंग अप टू हिज फीट, ही रैन अवे,
ही स्प्रैंग अप टू हिज फीट ही रैन अवे। यहाँ पे दो पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स से मिलके बना है ये सेंटेंस। तो अभी देखते हैं कि इसको पार्टिसिपल से जोड़ करके हम दोबारा से बना सकते हैं। ही स्प्रैंग अप टू हिज फीट, वो अपने उसने अपने कदमों पे छलांग लगाई, वो भाग गया। ठीक है, अब आप इसको किस तरह से लिखोगे? पार्टिसिपल का यूज़ करके, मीन्स आईएनजी पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करके लिखोगे। स्प्रिंगिंग अप टू हिज फीट ही रैन अवे बाय यूजिंग कॉमा। तो ये आपका कौन सा सेंटेंस है? ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है, करेक्ट। ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि इसमें आपका सब्जेक्ट है ही, स्पैंग वर्ब है, करेक्ट। और आपका दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जैसे ही रैन अवे, ही क्या है? सब्जेक्ट है, रैन प्लस वर्ब है, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, करेक्ट। दोनों की मीनिंग अपनी अपनी जगह पे निकली है, निकाली जा सकती है, दोनों ही सेंस रखते हैं, दोनों ही सेंटेंस। और इनको जोड़ा गया है किससे? कॉमा से। स्प्रिंगिंग अप टू हिज फीट ही रैन अवे, और पार्टिसिपल का यूज़ किया गया है। स्प्रिंगिंग अप टू हिज फीट ही रैन अवे, पैरों से छलांग लगा करके वो भाग गया। तो इस तरह से आपने क्या किया? सेंटेंस को न्यू फॉर्म किया। नाउ लेट्स गो फर्दर। शी वॉज टायर्ड ऑफ ट्राइंग, शी डिसाइडेड टू क्विट। टायर्ड ऑफ ट्राइंग, टायर्ड ऑफ ट्राइंग, शी डिसाइडेड टू क्विट, करेक्ट। टायर्ड ऑफ ट्राइंग, हेयर ईडी पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया है हमने इसको न्यू सेंटेंस को बनाने के लिए, कि कोशिशें करके थक कर, कोशिशें करते करते थक करके उसने क्विट करने का सोचा या फैसला किया, उसने क्विट करने का फैसला किया। लेट्स गो फर्दर। बाय यूजिंग ए नाउन ऑफ फ्रेज इन अपोजिशन, तो नाउन या जो फ्रेज है उसको अपोजिशन में यूज करके भी हम सेंटेंस को बना सकते हैं। एज लाइक दिस इज माई मदर, हर नेम इज सूजी, ये मेरी माँ है, इनका नेम सूजी है। अब इसको हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली इसको एज ए नाउन यूज कर सकते हैं, जैसे दिस इज माई मदर सूजी, ये मेरी माँ सूजी है, करेक्ट। तो इस तरह से आपने क्या किया, ये फ्रेज है आपका हर नेम इज सूजी, आपने इसको अपोजिशन से यूज किया और इसको एज ए नाउन सेंटेंस में यूज कर लिया। Now let's go further. By using a preposition with a noun or gerund, preposition का use करके भी new sentence को form कर सकते हैं हम। Her husband died, she heard the news, she fainted. On hearing the news of her husband's death, she fainted. पहला क्या है? Her husband died, उसका husband मर गया, उसने news सुनी, वो बेहोश हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि तीन clauses में ये sentence बना हुआ है। अब इसको हम या तो नाउन, जेरेंड से या फिर प्रीपोजिशन का यूज़ करके इसको बना सकते हैं। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। ऑन हियरिंग, ये आपका फ्रेजल प्रीपोजिशन है। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ शी फेंटेड, अपने हस्बैंड की डेथ की न्यूज़ सुनकर वो बेहोश हो गई, करेक्ट। तो सुन करके, ऑन हियरिंग ये क्या है? प्रीपोजिशन है, इसका यूज़ करके हमने न्यू सेंटेंस को फॉर्म किया। He has failed many times. He still hopes to succeed. Okay. In spite of many failures, he still hopes to succeed. बहुत बारी असफल होने के बावजूद, in spite means के बावजूद, और ये क्या है? Preposition है, के बावजूद वो उसे उम्मीद है सफल होने की। तो इस तरह से आपने preposition का use करके उसी सेंटेंस को न्यू फॉर्म कर दिया। नाउ लेट्स सी फर्दर। बाय यूजिंग द एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन, द वॉच वॉज एक्सपेंसिव, ही कुड नॉट बाय इट, घड़ी बहुत महंगी थी, वो खरीद नहीं सका इसे। तो अभी आप देखोगे कि एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन है, मींस ये पूरी तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन सेम ही रहता है, लेकिन हम इसको बी मीन्स होना, बी वर्ब से हम इसको फॉर्म करते हैं। As like be, been, being, ये तीनों be verb है, means होना। The watch being expensive, he could not buy it, घड़ी महंगी होने के वजह से
वो नहीं खरीद सका। तो इस तरह से आपने सिर्फ सिंपली एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, आपको वॉज वर्ब की जगह पे आपको बीइंग मीन्स बी वर्ब का यूज करना है। ओके, द कॉट वॉज टू स्मॉल, ही कुड नॉट स्लीप ऑन इट। चारपाई बहुत छोटी थी, वो इस पे नहीं सो सका। द कॉट बीइंग टू स्मॉल, ही कुड नॉट स्लीप ऑन इट। चारपाई के बहुत छोटे होने की वजह से वो इस पे नहीं सो सका। होना, ठीक है, उस सेंस में आपने बी वर्ब का यूज करना है इसके लिए। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ। रिवाइज इट, आई विल सी यू नेक्स्ट क्लास।